हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इस समय ठंड पड़ रही है और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। आज जो मेरा सब्जेक्ट है गाइज, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए। देखें, मुझे बहुत से लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं या मेरे से एस्ट्रोलॉजी को लेकर डिस्कस करते हैं, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं। या तो शादी का लेट होना, या डिवोर्स हो जाना, या शादी होते हुए भी पति पत्नी सुख ना मिल पाना, यानी कि हैप्पीनेस इज़ मिसिंग इन मैरिटल रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट, अगर आपके बर्थ चार्ट में उस तरह के प्लैनेट्स की पोजीशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपकी मैरिज लाइफ में 100% प्रॉब्लम आनी है। या तो आपकी शादी लेट होगी, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो पति के साथ या पत्नी के साथ आपके रिलेशनशिप वैसे नहीं होंगे जैसे आपके सपने थे शादी से पहले। तो इनमें कौन कौन से प्लैनेट सबसे पहले रोल अदा करते हैं? सबसे पहले रोल अदा करता है वीनस, सेकंड नंबर पे रोल अदा करता है मार्स। तो गाइज, आप ये देखें, क्या आपके बर्थ चार्ट में वीनस अगर कैंसर साइन में है, अगर लियो साइन में है, अगर वर्गो साइन में है, अगर सेजिटेरियस साइन में है, आई रिपीट दिस, इफ़ यू हैव ए वीनस इन 4 नंबर कैंसर साइन, 5 नंबर लियो साइन, 6 नंबर वर्गो साइन एंड 9 नंबर सेजिटेरियस साइन, इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ वीनस इन योर बर्थ चार्ट और इन योर नमाश, यू विल डेफिनेटली, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद स्पाउस, देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर मोर देन 2 मैरिजेज, और देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर सम टाइप ऑफ डिस्प्यूट आफ्टर मैरिज। आप ये देखें कि अगर आपका शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके भौतिक सुखों का कारक है, शुक्र आपके विवाहिक सुखों का कारक है, शुक्र आपके, अगर आप मेल हैं तो फीमेल को जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक हम बोलते हैं सेक्सुअल सुख होता है, एक एक शादी के बाद का जो सुख होता है, देखें सारा कुछ इस रिश्ते में सेक्सुअल नहीं है, जो मेंटल पीस है, जो हैप्पीनेस है, दिल से दिमाग से खुश होना, वो जो है वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। मैरिज के बाद की जो आपकी कंडीशन है वो वीनस बताता है। और अगर बर्थ चार्ट में वीनस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैंसर में है, लियो में है, वर्गो में है, सैजिटेरियस में है, यू विल डेफिनेटली सफ़र विद योर मैरिज लाइफ, यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। ये नहीं मैं बोलूँगा कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, सपोज करें आपका डिवोर्स नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी मैरिज लाइफ में बनती रहेगी, लाइफ में यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। और दूसरी तरफ अगर आप मांगलिक हो, अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, और ऊपर से वीनस भी आपका कैंसर में है, सेजिटेरियस में है, वर्गो में है, लियो में है, तो आपकी मैरिज लाइफ 100% ख़राब होनी है। अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं मैरिज लाइफ को ख़राब होने से? देखें, जो होना है वो होके रहना है, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप अपने बर्थ चार्ट की एक अच्छी मैचिंग करके अगर शादी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेशेंस से चलेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स। और आपको एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप मैचिंग करके कर रहे हैं तो अगर आपके ऐसे प्लैनेट हैं, शुक्र आपका कैंसर, लियो, वर्गो या सैजिटेरियस में है, और ऊपर से मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है या सेवन्थ हाउस में है, अब प्रबल मांगलिक हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मैचिंग करके करोगे तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन आपका डिवोर्स नहीं होगा, आपका घर नहीं खराब होगा, आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, शादी के बाद आपके जो बच्चों की प्लानिंग है वो बड़ी ईजिली हो जाएगी। तो वी नीड टू नो, बिकॉज मैरिज इज़ ए वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप इन अवर लाइफ, कि हमारे बर्थ चार्ट कैसे हैं। अपने पेरेंट्स के पीछे ना लगकर शादी ना करें कि हाँ मम्मी ने या पापा ने लड़की पसंद कर ली है, ये लड़का पसंद कर लिया है। तो हम एक बार किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें वीनस और मार्स की क्या प्लेसमेंट है आपके बर्थ चार्ट में। डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वीनस? क्या आपका वीनस टॉरस का है, लिब्रा का है, या पाइसिस का है, या आपका वीनस कैप्रिकॉन का है, एक्वेरियस का है? यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मैरिज लाइफ, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स आफ्टर मैरिज। क्या आप मांगलिक तो नहीं हो? क्या अगर आप मांगलिक हो तो जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है, क्या वो भी मांगलिक है? वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स, देन यू प्लान योर लाइफ, बिकॉज शादी एक बहुत बड़ा स्टेप है। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें सफ़र करते देखा है कि यार हमने तो हॉरोस्कोप मैच ही नहीं किया शादी से पहले, और मैच नहीं किया तो उसके बाद हमें रिजल्ट ये मिला कि शादी के बाद बीवी से बनती नहीं है, या पत्नी की पति से नहीं बनती है, और आपस में फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, लॉसेज हो गए, या हस्बैंड फॉरेन बैठा है, वाइफ इंडिया में है, पिछले 5 सालों से दे आर सेपरेट।
but they are in a relationship. Still, they are not enjoying our marital life because Venus is damaged. Venus play a big role. Don't underestimate the Venus in birth chart. Venus play a big role in your marital happiness. If you have a Taurus Venus, Libra Venus, Pisces Venus, Capricorn Venus, you will surely be blessed with a wonderful spouse. You will enjoy a lot of comforts after marriage. Your spouse is always helping you. So guys, you need to know, do you have Venus with Mars? Do you have a conjunction of Mars Venus in your birth chart? If you have any type of conjunction of Mars Venus in 1st house, in 7th house, in 4th house in your birth chart, you will definitely see some unbalancing situation in your marriage life. Because you are Mangalik from Venus, if Venus and Mars conjunction. So astrology is a deep science. What is astrology? Astrology is all about awareness. एस्ट्रोलॉजी हमें अवेयर करेगी, हमें मार्गदर्शन करेगी, डायरेक्शन दिखाएगी, कौन सा समय हमारे लिए कैसा है, कौन सा आने वाला समय हमारे लिए कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसमें हम रिस्क लें या ना लें. सो गाइज, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ वीनस यू हैव इन योर बर्थ चार्ट. आई रिपीट दिस, इफ यू हैव अ वीनस इन कैंसर, लियो, वर्गो, सैजिटेरियस, यू विल डेफिनेटली सफर विद योर मैरिज लाइफ. यू आर नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर स्पाउस. आप चाहे गर्म तवे पे भी बैठ जाओ, जो आपके स्पाउस होंगे वो आपसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में पत्नी का या पति का सुख जो है वो नहीं है. तो आपको ज़रूरत है वीनस की कुछ रेमेडीज़ करने की, लेकिन वो आपका बर्थ चार्ट देखने के बाद पता लगेंगी कि आपको क्या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है जिसके आपका वीनस जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. मैंने मैक्सिमम देखा है, अगर वीनस आपका इन साइंस में है, कैंसर में है, लियो में है, वर्गो में है, पाइसिस में है, अ पर्सन गेट, यू नो, दे आर नॉट इन ए फोकस विद अवर रिलेशनशिप. दे आर नॉट इन ए फोकस इन देयर रिलेशनशिप. दे आर ऑलवेज गेटिंग कन्फ्यूज एंड अपसेट. शुक्र वाले जो ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर लियो सैजिटेरियस वर्गो में है, दे आर नॉट मेंटली कनेक्टेड विद अवर लाइफ पार्टनर. एक होता ना इमोशनली कनेक्शन, वो नहीं होता अगर वीनस 4, 5, 6 या 9 नंबर में है. और ऐसे लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है शादी के बाद. और अगर ऊपर से आप मांगलिक भी हो, फर्स्ट हाउस है, 7th हाउस का मार्स है, तो आपकी मैरिज लाइफ तो बिल्कुल इसमें डिस्प्यूट होने ही होना है. आपको किसी ना किसी कारण आपका आपके स्पाउस से सेपरेशन होने ही होना है. तो वी नीड टू नो, आप शादी करने जा रहे हो, एक बार आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे क्या आपकी मैरिज लाइफ जिनके साथ आप करने जा रहे हो सक्सेसफुल रहेगी. उसके बाद ही कोई अच्छा कोई बड़ा डिसीज़न आप अपनी लाइफ में अपनाएं, फॉलो करें. क्योंकि मैरिज इज नॉट लाइक दैट कि आज इससे कर ली, कल उससे कर ली. सो इट्स अ वेरी बिग डीड, यू नो, इट्स अ वेरी बिग डीड इन योर लाइफ. आप जो कदम उठाने जा रहे हो, क्या उससे आपका या किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? तो यू नीड टू नो एवरीथिंग. Which type of Venus plays in your birth chart? Which type of Mars placement of your birth chart? If you have a strong Venus, you will enjoy a lot of comforts after marriage. You will get wonderful spouse. Thank you for watching my video. And must analyze your birth chart, where Venus placed, where Mars placed in your horoscope. Thank you for watching my video. Namaskar. Jai Hind.